हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद वैष्णवी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी मेरे पिछले वीडियो में क से लेकर सारे वर्णाक्षर शॉर्ट हैंड में लिखना सीख चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज को सीखेंगे कि इस एक्सरसाइज को हम कैसे करें। चूँकि ये वर्णाक्षर ही है तो आपके डाउट्स और क्लियर होंगे, तो आइए चलते हैं आज आपके डाउट्स और क्लियर करने। इसमें मेरे हर एक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। मैं थोड़ा फनी भी हूँ और थोड़ा मजाक भी करती रहती हूँ, तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ये देखिए, ये मैंने लाइट 120 डिग्री पर खींचा हुआ है लेफ्ट साइड के झुकाव में, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या होगा। जी हाँ, आप ही को बताना है, ये पा होगा। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगी सोचने के लिए, ओके। तो आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या है। तो ये देखिए, आप ये बताइए, ये लेफ्ट साइड का है। ये देखिए, ये क्या था हमारा हाफ हाफ सर्किल, ये हमारे हाफ सर्किल ता थे, ता वर्ग था ये हमारा। तो ये हमारा लेफ्ट था और ये हमारा राइट था। अब ये बताइए, ये कौन सा ता है? यस, ये हमारा लेफ्ट ता है। तो ये हमारा ता यानी कि बायां, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये हमारा हा तो है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ये ऊपर वाला है या नीचे वाला? तो देखिए, इसका डंडा ऊपर जा रहा है ना, तो अगर ऊपर जा रहा है तो कौन सा हुआ? बिल्कुल, ये ऊपर वाला हमारा हा हुआ। अब ये देखिए, ये हमारा उल्टा चंद्रमा है और उल्टा चंद्रमा में कोई कट नहीं लगा हुआ है। कोई कट नहीं लगा है मतलब उसमें कोई ग्रहण नहीं लगा है, और जब ग्रहण नहीं लगा है तो क्या होगा? वो हमारा माँ होगा। मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से समझाना चाहती हूँ ताकि आपको भूले नहीं और क्लियर हो। मेन चीज़ें क्लियर होना। तो आइए मैं आगे आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री है और ये हमारा लाइन पर लाइट लिखा हुआ है। डोंट फॉरगेट, लाइट लिखा हुआ है। तो आप बताइए, गैस गैस, यस ट है ये हमारा। ये देखिए, ये है हमारा राइट साइड के झुकाव में डार्क लिखा हुआ है। एनी गेसेस? यस ज। आइए आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने ल र श आपको ट्रिक बताई थी, तो जब मैं ला में गई थी ऐसा ल र, तो लर में ऐसा था ना, तो ल जो था वो ऊपर की ओर गया था और जो र था वो नीचे की ओर था। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ल है या रा है, क्योंकि मुझे भी ल और रा में बहुत कंफ्यूजन होता था, बट अब नहीं है, अब सारे डाउट्स क्लियर हैं। तो हाँ, ये र नीचे वाला है। सिर्फ आपको लरस और तम तन याद रखना है, इससे आपके काफ़ी हद तक डाउट दूर होंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको हा तो बताया, लेकिन अब पहले मैंने आपको ऊपर वाला हा बताया था। अब ये देखिए, इसका डंडा ऊपर है या नीचे? तो आप समझ ही गए होंगे ये नीचे वाला है या ऊपर वाला। ये देखिए, ये हमारा उल्टा चंद्रमा है, तो उल्टा चंद्रमा है तो क्या होगा? यस माँ। ये देखिए, आप मेरे वीडियो को रोक कर भी गेस कर सकते हैं। अगर मैं आपको जल्दी बता रही हूँ तो आप रोक कर भी सही कर सकते हैं। आप देखिए कौन सा है, गेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में मैं आपको कुछ दूंगी तो वो आप बताएंगे। ये देखिए, ये हमारा डार्क लिखा हुआ है, तो डार्क हमारा डा होता है। ये देखिए, ये हमारा ऐसे लिखा हुआ है लाइन पर, तो ये हमारा क्या होगा? इसको मैं एक बार और सही से बनाना चाहूँगी। ये देखिए, ये ऐसे, तो जी हाँ, ये हमारा लाइट है, तो ये हमारा ता, ता तो होगा, कौन सा होगा? जी हाँ, ये हमारा दायां ता होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये देखिए, ये और ये सेम टू सेम है, गेस कर लीजिए आप भी। यस, अब ये देखिए, ये क्या है हमारा? ये देखिए, ये क्या था और ये क्या है? अब आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। आई होप आपको इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग मेरे वीडियो को। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़
लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, ये हमारा बताइए क्या है, ये माँ है, ये देखिए ये सीधा चंद्रमा है और इसमें कट लगा हुआ है, तो इसमें कट नहीं है ये वाले में और इसमें कट है, तो ये हमारा माँ होगा। मैंने इसमें माँ और ना में बहुत अच्छे से डाउट क्लियर किया है पिछले वीडियो में, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी लिंक, वीडियो की लिंक देखकर आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं या आप मेरे चैनल पर भी इन वीडियोस को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए ये हमारा ठ है, लाइट लिखा हुआ है। अब आप बताइए, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ये दीजिए, ये देखिए ये क्या है हमारा, जी हाँ ये हमारा भा है, ये पा वर्ग का डार्क लिखा हुआ। ये देखिए आप आई थिंक लाइट और डार्क में अंतर समझ रहे होंगे, ये लाइट और ये डार्क। आगे चलते हैं, ये देखिए ये हमारा फा है, ये हमारा क्या है आप बताइए, जी हाँ ये खा है। ये देखिए अब ये आप बता सकते हैं, बिल्कुल टाइम दे रही हूँ मैं आपको। ला है ये हमारा, कौन सा, ऊपर वाला। ये देखिए ये है हमारा डार्क ना, यानी कि डार्क ना का मतलब होता है अंगा। मैंने इसको अर्धचंद्रमा का डार्क बनाया हुआ है, यानी कि ये हमारा का अंगा हुआ। आगे चलते हैं, ये देखिए ये उल्टा माँ उल्टा चांद है और कट लगा हुआ, यानी चंद्र ग्रहण है, ये ग्रहण है मतलब ना, क्योंकि उल्टा चांद जब होता है, जब उसमें ग्रहण लग जाता है। ये मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि जब हमारा चंद्रमा उल्टा होगा और उसमें कट लग जाएगा, यानी कि ग्रहण लग जाएगा, जब ग्रहण लगेगा तो ग्रहण का जो अड़ा है वो हमारा ना को डिनोट करता है, तो इस हिसाब से आप ना समझ सकते हैं। अब ये आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा ल ऊपर वाला है, ये देखिए ये हमारा था है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं कभी यहाँ चली जाती हूँ फिर नीचे आ जाती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे सीक्वेंस में थोड़ा लिखना चाहिए था दायां। आगे देखिए ये है, ये देखिए ये हमारा बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, आपको इसमें कंफ्यूज़ नहीं होना कि ये च है या रा है, ये हमारा रा है। रा कौन सा है, रा हमारा ऊपर वाला है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए ये हमारा लाइट लिखा हुआ है लाइन पर 0 डिग्री पर, तो ये हमारा ख होगा। और मैं आपको लास्ट की, ये देखिए ये चार आपको दूंगी, सिर्फ आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ओके। तो अब ये देखिए ये मेरा डा है और ये मेरा ब है। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।